नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन एंड ऑनलाइन कंसल्टेंट। आज मैं आपको क्लैन लेवन सिंड्रोम के बारे में बताने जा रहा हूं। इस सिंड्रोम में क्या होता है, इसके क्या कारण हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और ये सिंड्रोम किनको होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजों की बात करेंगे। तो अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको भी ये सिंड्रोम है और ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरा व्हाट्सएप नंबर लें। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे ही अपॉइंटमेंट बुक करें। तो स्टार्ट करते हैं। इस सिंड्रोम का दूसरा नाम हाइपर सोमनोलेंस भी हम बोलते हैं कि बहुत एक्सेस नींद आना, ठीक है। पर जैसे मैंने बताया था आपको, नार्कोलेप्सी से ये बिल्कुल अलग है। अब इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, नार्कोलेप्सी मतलब कभी भी कहीं भी किसी भी समय नींद आ जाना, पर हाइपर सोमनोलेंस के अंदर ये चीज रहेगी आपकी कि जो इसमें आपको नींद का शेड्यूल है वो कैसे होगा कि आपको नींद आएगी 18 आवर्स, 18 घंटे आप 24 घंटे में सोएंगे और ये एपिसोड आपका 2 दिन भी चल सकता है या 45 दिन, 45 डेज तक भी चल सकता है। तो इस सिंड्रोम के अंदर ये होता है। अब हम बात करेंगे क्या क्या रिस्क फैक्टर्स रहेंगे, ये किनको होगा। तो ये जनरली एडोलसेंट्स को होता है, ये 10 साल से लेके 20 साल की उम्र में पाया जाता है। और हम बात करें कि मेल और फीमेल का रेशो, तो मेल्स में ज्यादा होता है 70% तक और फीमेल्स में होता है ये 30% तक। तो इसमें 24 घंटे में 18 घंटे आदमी सोता ही रहता है, उसको स्लीप आती है और जब वो नींद से उठता है तो वो बहुत इरिटेबल होता है, उसको लगता है ये दुनिया बेकार है, अनरियलाइज्ड है, बहुत साउंड रियल नहीं है और उसको हाइपरफेजिया होता है, बहुत ज्यादा भूख लगती है, वो खाना खाने के लिए ही उठता है और इरिटेबल रहेगा। और उसके बाद या तो वो वॉशरूम करने के लिए उठेगा, टॉयलेट जाना है, ये सब उसके बाद फिर सो जाता है, जिसको बोलते हैं हम क्लैन लेवन सिंड्रोम, ठीक है। और इसमें हाइपर सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है, आदमी मेंस्ट्रुएशन करने लगता है ज्यादा से ज्यादा, तो ये सारे सिम्टम्स इसके अंदर डेवलप होते हैं। वो दुखी होने लगता है, डिप्रेशन में जाने लगता है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अब इसको हम बात करें कि ये किन में ज्यादा होता है, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो उसके बाद ये एपिसोड्स आ गए हों, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब इसकी बात करें कि डायग्नोसिस हम कैसे बैठाएं इसका, कि डायग्नोसिस हम कैसे पहचाने कि ये क्लैन लेवन सिंड्रोम है या नहीं। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती है, जैसे एमआरआई ब्रेन करके देखें, स्ट्रोक्स है या कोई ब्रेन डिसऑर्डर है उसको रूल आउट करें, एपिलेप्सी वगैरह हम रूल आउट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं, कुछ हार्मोनल टेस्ट हैं। अब जो हाइपरफेजिया है, जो बहुत ज्यादा एक्सेस भूख लग रही है, उसका कारण होता है हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, तो इस कारण से बहुत ज्यादा भूख लगती है, हाइपरफेजिया होता है। ये सारे सिम्टम्स मैंने बताया, डी रियलाइजेशन रहेगा, पेशेंट इरिटेबल होगा, बहुत ज्यादा भूख का डिजायर रहेगा, बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा उठने के बाद, एग्रेसिव रहेगा पेशेंट, अपने लाइफ स्टाइल से बहुत टायर्ड हो जाता है। और इसके एपिसोड 18 मंथ्स में रिपीट होते हैं, हर 18 मंथ में रिपीट होते हैं, पर यह है कि ऐसे धीरे धीरे आने वाले 10-20 ईयर्स में ये एपिसोड कम हो जाते हैं। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो ये कंडीशन और वर्स हो जाती है। इसका ट्रीटमेंट दो तरीके से होता है, एक तो होता है प्रोफाइलेक्सिस, प्रोफाइलेक्सिस मतलब ये एपिसोड्स ना आए या बहुत कम हो जाएं, और एक ट्रीटमेंट होता है एक्यूट सिचुएशन, जैसे मैंने बताया कि आपको ये हमेशा नहीं रहेगा नींद का बीमारी, इसमें ये रहेगा कि अगर एक बार स्टार्ट हुआ तो हो सकता है ये एपिसोड आपको 2 दिन चले या हो सकता है 1.5 महीना चल जाए, जिसमें आप 18 घंटे, 19 घंटे, 20 घंटे तक सो रहे हैं 24 घंटे में। तो ये एपिसोड अब 45 डेज के बाद ये चला गया एपिसोड, उसके बाद आप नॉर्मल रह सकते हैं पर डिप्रेशन में रहेंगे, और 18 महीने 2 साल बाद ये रिपीट भी होता है। तो ये एपिसोड रिपीट नहीं हो तो प्रोफाइलेक्सिस मेडिसिन चलेगा, और अगर ये एपिसोड आ गया है तो कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो आपको स्टिमुलेशन देंगे, स्टिमुलेट करेंगे आपकी बॉडी को, तो आपको नींद कम आएगी, जैसे एम्फेटामिन है, मोडाफेलिन है, मेथाइलफेनिडेट है, ऐसे कुछ ड्रग्स है। तो इनको आपको खुद से नहीं लेना है, ऑलवेज डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू लेना है, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत सीवियर होते हैं, और इसमें लाइफ स्टाइल है, योगा है, ये सारी चीजें आपको बहुत हेल्प करेगी। आपको फूड क्या लेना है वो सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल है। आपको प्रोफाइलेक्सिस में लिथियम, कार्बामेजापिन नाम की दवाइयां यूज होती हैं, वो सब यूज कर सकते हैं, पर उनका डोज, उनके लिए ब्लड टेस्ट, ये सब चीजें रिक्वायर्ड रहेंगी,
और अब बात करते हैं प्रेग्नोसिस की। तो प्रेग्नोसिस ऐसा है कि ये कुछ समय बाद कुछ लोगों में ये ठीक भी हो जाता है, पर बात करें क्योर की, जो कि बहुत सारे लोग पहुंचते हैं, तो देखो भाई क्योर नहीं होता इन चीजों का, पर ये है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है ताकि आप नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, अच्छा जीवन जी सकते हैं, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आपको हाइपर सोमनोलेंस के एपिसोड्स नहीं आएंगे, एक्सेस नींद के विद ट्रीटमेंट या आएंगे तो बहुत कम हो जाएंगे, और मोटिवेटेड रहना जरूरी है, डिप्रेशन से बाहर आना जरूरी होता है, और इसका प्रॉपर एजुकेशन, इस बीमारी की प्रॉपर नॉलेज आपको होनी जरूरी है। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और ये चैनल आपका ही है। और भी किसी बीमारी से रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अपॉइंटमेंट चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पे बुक करें। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू।